टाइम ट्रैवल, ये होगा तो कंफ्यूजन होगा और कंफ्यूजन होगा तो मुझको वीडियो बनाना ही पड़ेगा। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना क्योंकि इसमें आपको एंड गेम में दिखा हर टाइम ट्रैवल समझ आ जाएगा। आखिर लोकी टेजरेक्ट लेकर भागा तो क्या हुआ, थॉर पास्ट के थॉर का हैमर ले लिया तो क्या हुआ, और कैप्टन अमेरिका बूढ़ा कैसे हो गया, सब कुछ। स्टार्ट करते हैं एंड गेम के टाइम ट्रैवल के कॉन्सेप्ट से। क्या है इस मूवी का टाइम ट्रैवल? मूवी में ब्रूस और एंशिएंट वन ने समझा दिया था कि अगर आप पास्ट में ट्रैवल करते हो तो उससे आपका फ्यूचर नहीं बदलता बल्कि एक अल्टरनेट फ्यूचर बनता है, और पास्ट में कुछ भी चेंज करने से एक अल्टरनेट टाइमलाइन बनती है। बस आपको इतना ही समझना है कि कब और कहां अल्टरनेट टाइमलाइन बनी होगी। चलो पूरे मार्वल के 22 मूवीज को जो कि हमने देखा उसको मेन टाइमलाइन में ले लेते हैं और उसको रिप्रेजेंट करते हैं एक स्ट्रेट लाइन से। अब 2018 यानी कि इन्फिनिटी वॉर में थैनोस ने स्नैप किया तो वो यहाँ डाल देते हैं, एंड एंड गेम में हमें 5 साल का टाइम जंप मिला यानी कि 2023, उसको यहाँ डाल देते हैं। 2023 में ही स्कॉट ने अवेंजर्स के दिमाग में डाला कि वो टाइम ट्रैवल कर सकते हैं और क्वांटम रेम के हेल्प से सब ने टाइम ट्रैवल किया। अब मैं टाइमलाइन पे 2020 से 2014, 2013, 2012 और 1970 में टाइम ट्रैवल किया गया। सबसे पहले आते हैं 2014 पे, तो 2014 में वॉर मशीन, नेबुला, ब्लैक विडो और हॉकाई ने टाइम ट्रैवल किया। जैसे ही वो इस टाइम में पहुंचे तो एक अल्टरनेट टाइमलाइन बनी। वॉर मशीन और नेबुला ने मोरैक से पावर स्टोन लिया और वहीं हॉकाई और ब्लैक विडो ने सोल स्टोन। अब यहीं ब्लैक विडो ने अपना सैक्रिफाइस दिया और नेबुला की वजह से थैनोस को उनके प्लान के बारे में पता चल गया और उसने फ्यूचर से आई नेबुला को कैप्चर किया और उससे पिम पार्टिकल्स ले लिया। नेक्स्ट आते हैं 2013 में, तो 2013 में थॉर और रॉकेट ने ट्रैवल किया, वहाँ पहुँचती एक अल्टरनेट टाइमलाइन बनी। बेसिकली अगर आप पास्ट में जाकर कुछ भी चेंज करते हो तो एक अल्टरनेट टाइमलाइन बनती है और मेन टाइमलाइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहीं रॉकेट ने जेन फॉस्टर से रियलिटी स्टोन लिया और थॉर ने उस टाइम के थॉर का मेयोनीर यानी कि अल्टरनेट टाइमलाइन वाले थॉर के पास अब मेयोनीर नहीं है। देन नेक्स्ट ईयर है 2012 जहां तीन इन्फिनिटी स्टोन्स थे, यहां ट्रैवल किया ब्रूस, टोनी, स्टीव और स्कॉट ने। सेम वैसे ही अल्टरनेट टाइमलाइन बनी, ब्रूस को इजिली टाइम स्टोन मिल गया, कैप्टन को हेल हाइड्रा बोल के माइंड स्टोन मिल गया। हाँ, हमने प्रेजेंट और पास्ट के कैप्टन का फाइट भी देखा लेकिन गड़बड़ हो गई स्पेस स्टोन में जहाँ लोकी टेजरेक्ट लेकर भाग गया। अब यहीं पे बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे थे तो उनके लिए बता दूं कि ये लोकी जो स्पेस स्टोन लेकर भागा है वो एक अल्टरनेट टाइमलाइन में हुआ है और इसकी कोई स्टोरी हमने अब तक नहीं देखी और हमारे मेन टाइमलाइन पे कोई फर्क नहीं पड़ा है और उसकी स्टोरी हल्की सी भी चेंज नहीं होती है, जैसा कि इस मूवी का टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट ही है। पास्ट को चेंज करके आप फ्यूचर चेंज नहीं कर सकते। तो लोकी के भागने के बाद टोनी और स्टीव डिसाइड करते हैं कि वो पास्ट में जाकर टेजरेक्ट ले सकते हैं, तो वो दोनों 1970 में जाते हैं जहां टोनी अपने फादर से मिलता है और टेजरेक्ट ले लेता है। अब हर टाइमलाइन से सारे सुपरहीरोज ट्रैवल करके वापस आ जाते हैं 2023 में और यहीं वो अपना गॉन्टलेट कंप्लीट करते हैं और ब्रूस यानी कि प्रोफेसर हल्क स्नैप करके सबको वापस बुला लेता है जो भी इन्फिनिटी वॉर में धूल बने थे। बट एक गड़बड़ हो चुकी है, 2014 में प्रेजेंट की नेबुला कैप्चर हो चुकी है और पास्ट की नेबुला ट्रैवल करके 2023 में आ जाती है और यहाँ सिर्फ वो नहीं बल्कि थैनोस की पूरी आर्मी ही आ जाती है। एंड हमें मिलता है फाइनल बैटल जहां ब्रूस के स्नैप के कारण सारे धूल बने सुपर हीरोज रिटर्न कर रहे होते हैं और बैटल के एंड में टोनी के स्नैप के कारण उस अल्टरनेट टाइमलाइन से आया थैनोस और उसकी आर्मी धूल बन जाते हैं। अब आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि मेन टाइमलाइन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा है, बस 2023 में स्नैप हुए लोग रिटर्न कर गए हैं, लेकिन एंडिंग में कैप्टन के कारण और कंफ्यूजन हो जाती है। तो अब समझते हैं कैप्टन अमेरिका के टाइम ट्रैवल के बारे में। कैप्टन अमेरिका 2023 से ट्रैवल करता है 2014 में जहां वो पावर स्टोन और सोल स्टोन लौटाता है जिससे कि ये अल्टरनेट टाइमलाइन नहीं बनता है। फिर वो जाता है 2013 में और लौटाता है रियलिटी स्टोन और मेयोनीर जिससे कि ये टाइमलाइन नहीं बनता। फिर जाता है 2012 में और लौटाता है टाइम स्टोन और माइंड स्टोन जिससे कि ये सब नहीं होता। देन वो जाता है 1970s में और यहाँ वो लौटाता है स्पेस स्टोन और यहाँ की टाइमलाइन भी फिक्स हो जाती है। फाइनली वो अपना फाइनल जंप लेता है 1940s में जहाँ वो पेगी के साथ हैप्पीली मैरिड लाइफ जीता है। अब इसके कारण एक अल्टरनेट टाइमलाइन बन जाती है, इसी टाइमलाइन में वो बूढ़ा होता है एंड मोस्ट प्रोबेबली जब पेगी की डेथ हो जाती है तो वो रिटर्न कर जाता है 2023 में जहां उसने अपनी शील्ड सैम को दिया और उसे नया कैप्टन अमेरिका बना दिया। तो यही है एंड गेम की पूरी टाइम ट्रैवल एक्सप्लेन्ड। यहीं पे कुछ लोग ये बोल रहे थे कि कैप्टन बूढ़ा कैसे हो सकता है, उसके बॉडी में तो सुपर सोल्जर सीरम था। तो उनके लिए बता दूं कि सुपर सोल्जर सीरम से उसे सिर्फ सुपर पावर्स मिले थे, वो अमर नहीं हुआ था,
वो बूढ़ा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो 70 सालों तक जमा रहा। कई लोग ये बोल रहे थे कि विंटर सोल्जर भी तो बूढ़ा नहीं हुआ, वो तो 70 सालों तक जमा नहीं रहा था। तो उनके लिए यही बोलना चाहूंगा कि यार एमसीयू की मूवीज फिर से देखना, उसका नाम ही विंटर सोल्जर है क्योंकि उसे जमा के रखा जाता था। और जब भी हाइड्रा को उसे किसी मिशन पे भेजना होता था तभी वो उसे अनफ्रीज करते थे और बाहर निकालते थे। तो होप्स हो कि अब सब क्लियर हो गया होगा, लेकिन अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट में पूछना। और अगर वीडियो पसंद आई तो अपने सुपर फिंगर्स का यूज करो और थैंक्स फॉर वॉचिंग।